अभी अभी श्रीमान केजरीवाल ने यह कहा कि दिल्ली में एक घोषणा करो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, और मुख्यमंत्री घोषणा करो तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इसके लिए मुख्यमंत्री घोषित करने की जरूरत नहीं है, तिथि और समय बता दो, उसके बाद मैं आकर चर्चा कर रही। मतदान का वक्त करीब है तो दिल्ली में चुनावी सियासत भी उफान पर है। इस मोड़ पर हर बार पलटवार को जनता भी करीब से देख सुन रही है। ऐसे में केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की दुखती रख पर हाथ रखा तो जवाब देने बीजेपी के शाह मोर्चे पर उतर आए। दूसरे नंबर में केजरीवाल का 0 नंबर कर दिया और तीसरे नंबर में मोदी जी का 1 नंबर कर दिया। अब बीच में जब तक 1 नहीं करते हो, एक पिटारा खुलेगा नहीं, विकास का हम क्या खुलेगा। मैं आपको गारंटी देने आया हूं कि तीसरा नंबर बीच का जो दिल्ली सरकार का है, वो भी नरेंद्र मोदी का 1 नंबर कर दो। मैं आपको कहता हूं पूरे संसार में सबसे विकसित कैपिटल दिल्ली को बनाने का हम आपको वादा करते हैं। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते वक्त एक तीर से दो शिकार की रणनीति को आजमाने की कोशिश की। एक ओर उन्होंने अमित शाह को बीजेपी का सीएम चेहरा घोषित करने की चुनौती दी तो दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को इशारों में अनपढ़ गवार बता दिया। फिर जनता कह रही है कि हम आपको वोट क्यों दें? अमित शाह जी ये कह रहे हैं भाई तुम हमको वोट दे दो, फिर सीएम मैं तय करूंगा। जनतंत्र में सीएम जनता तय करती है। जनता ये कह रही है कि हमने मान लो आपको वोट दे दिया, बीजेपी को वोट दे दिया, कल आपने किसी अनपढ़ गवार को बना दिया सीएम। तो केजरीवाल का ये तीखा तंज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के दिल पर लगा तो वो केजरीवाल को पूर्वांचली वोट के अपमान का हवाला देने लगे, जिसने 2013 और 2015 में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। उन्होंने जो एक लाइन बोली ना कि कोई अनपढ़ गंवार तो नहीं ला दोगे दिल्ली का, तो दिल्ली का अनपढ़ गंवार दिल्ली के लोगों को जो कहे हो ना, उस आपने जो आज दिल्ली के लोगों का अपमान किया है, दिल्ली का अनपढ़ गंवार, ये बहुत ही एक बार फिर से नफरत निकल के आई है। अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी को जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, आज तुमने जो पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया और आज दिल्ली के लोगों को अनपढ़ गंवार बोले हो ना, इसका दिल्ली 8 तारीख को आपको जवाब देगी। अब जब दिल्ली की चुनावी सियासत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है तो इमोशनल कार्ड भी धड़ल्ले से चले जा रहे हैं और केजरीवाल तो एक भी मौका नहीं चूक रहे। इनके 11 मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, इनके 70 केंद्रीय मंत्री, ये सारे जने इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों? एक छोटे से आदमी को हराने के लिए। बताओ, मैं एक छोटा सा आदमी दिल्ली आधे राज्य का मुख्यमंत्री, मेरे को हराने के लिए सारे जने इकट्ठे हो गए, सारे जने। बीजेपी नेताओं की ओर से खुद को आतंकी बताए जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल एक दिन पहले ही दिल्ली की जनता से इमोशनल अपील कर चुके हैं। कह चुके हैं कि अगर दिल्ली की जनता को वो आतंकवादी दिखते हैं तो फिर वो कमल के निशान पर बटन दबाए, लेकिन अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हैं तो झाड़ू पर मुहर लगाए। ये तो चुनावी सियासत है, जनता भी इसे बखूबी समझती कि वोट हासिल करने के लिए नेताजी हर हुनर आजमाएंगे। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को जब दिल्ली की जनता वोट डालती है तो किसकी अपील पर ज्यादा भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।